गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। बेटा आज की क्लास फ्यूचर डेडिकेटेड क्लास है, ठीक है? कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं आप लोगों, बस आपके फ्यूचर के लिए डिसाइड करेंगे अपन कि सर हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि मैं भी तो हर्डल से निकल के आया ना। मैंने भी तो 10th के एग्जाम दिए होंगे, फिर मैं 11th में आया, फिर 11th में आने के बाद में फिर मैंने कुछ आगे डिसाइड किया, तो मेरी जर्नी तो बेटा बहुत अप एंड डाउन रही उसमें, तो वो तो कभी अपन बैठेंगे तब बताएंगे इस बारे में आपको। आज हम बेटा आपके फ्यूचर क्लास कैसे कर रहे हैं कि आप क्या करें आफ्टर 10th और क्यों करें। सर आपका फायदा होगा आप तो वही बताओगे, मेरा कोई फायदा नहीं बेटा, है ना? कोई कमीशन नहीं मेरा किसी से, है ना? मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा देश तरक्की करे, मेरे बच्चे तरक्की करे, बस ये चाहता हूँ। तो आज बेटा हम क्या समझने वाले हैं वो देखिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में, आफ्टर 10th क्या किया जाए सर? देखिए ओके, आफ्टर 10th क्या करें और उसमें इंसान कुछ इस तरह होता है, वो कुछ सोचता रहता है हमेशा, है ना? आप थोड़ा खुश भी रहता है, सोचता रहता है, खुश इसलिए होता है कि मैंने 10th पास कर लिया, सोचता इसलिए रहता है अरे अब क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। हमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मिली है ना, वो एजुकेशन, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। एक एनिमल से हम ह्यूमन तक बने वो एजुकेशन की वजह से, किसकी वजह से बने बच्चों? एजुकेशन। एजुकेशन ने हमें मैन्युफैक्चर, हमें बनाया है। आप देखते हो ना, जब बच्चा पढ़ता है तो उसके विचार बदलते चले जाते हैं, थॉट्स आने लगते हैं नए नए, और वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है। क्लियर बच्चों यहां तक? तो एजुकेशन मस्ट इन योर लाइफ, सबके जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 10th जब आपने पास कर लिया तो इसका मतलब ये समझिए आपने एक स्कूल स्टेप पास कर लिया, ठीक है? लेकिन आफ्टर 10th फ्यूचर मेकिंग होता है। क्या होता है बेटा? फ्यूचर मेकिंग, क्योंकि 10th तक तो सब पढ़ के आते बराबर, फिर आधे 10th वाले और कहीं चले जाते हैं, आधे 10th वाले कहीं और चले जाते हैं, आधे 10th वाले फिर खो जाते हैं धीरे धीरे सबके सब बच्चे इधर उधर। क्लियर है? तो हम समझेंगे कि आफ्टर 10th हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। तो देखो सुनो, जैसे ही आप आफ्टर 10th करते हो तो सबसे पहले आपके पास बैंक, सबसे पहले आप सोचते बेटा कई सारे स्ट्रीम होते हो, सुनिए आफ्टर 10th। और इस बार के गार्जियन तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे बच्चे को क्या दिलाना है, सही बात है कि नहीं? क्योंकि उनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है इस बार बच्चों का, तो ना तो उनको ये पता कि साइंस में अच्छे मार्क्स आए, या ना पता कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए। क्लियर बच्चे? यस। तो इस बार तो सर हम बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें। कोई बात नहीं, डोंट वरी बेटा, मैं यहां हूं आप लोगों को बताने के लिए। हाँ, और लोगों को बोलिए आज हम क्लास करेंगे। आफ्टर 10th हमारे पास तीन स्ट्रीम बचते हैं बच्चों। फर्स्ट साइंस, देखो पहला साइंस, दूसरा आर्ट्स और तीसरा कॉमर्स। क्लियर है बच्चों? आपके पास तीन ये मेन सब्जेक्ट्स आपको दिखाई, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स। क्लियर है बच्चों? अब सर हम किस में क्या करें और कैसे करें? तो देखो आर्ट्स में, आर्ट्स में
हमें नहीं आपको नहीं सबको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आर्ट्स पढ़ ली। यस, और आर्ट्स का परसेंटेज ऑफ बेरोजगारी भी ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? मैक्सिमम। तो आर्ट्स जब हमने पढ़ लिया तो सर आर्ट्स में हमने क्या करना चाहिए था? तो देखो, आप इससे बड़े दो एग्जाम हैं, एक आईएएस, एक आरएएस। ठीक है बच्चे? तो सर हम या तो आईएएस कर ले या आरएएस कर ले, ये ठीक है, लेकिन वो आप यहां से भी कर सकते हो बच्चों, साइंस पढ़ के भी कर सकते हो। यस यस या ना? कर सकते हो ना? हाँ। तो सर यहां पर दो बड़े रास्ते आपने ये हमें बताया कि ये हमें कर लेने चाहिए, तो बेटा मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग ये तो यहां साइंस पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बताओ क्या हमारे पूरे गांव में सारे आईएएस हैं? ये सारे आरएएस हैं? नहीं है ना, कुछ सेलेक्टेबल पर्सन है बेटा। हमारे पूरे जिले में ही दो एक दो लोग निकले होंगे, बने होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब हार्ड कॉम्पिटिशन है, हार्ड कॉम्पिटिशन है, और इसके साथ बेटा हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए। यस या नो? चाहिए ना बेटा? हार्ड कॉम्पिटिशन और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है सर, इतनी तो हमसे नहीं होगी, हो जाएगी? चलो, जिन बच्चों से हो जाएगी उनकी अच्छी बात है बेटा, जिनसे नहीं होगी उनके लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए भी कुछ तो कुछ निकालेंगे ना। हाँ, निकालेंगे। तो साइंस से भी आप आईएएस और आरएएस बन सकते हो। वो बड़ी बात ये है कि सर आर्ट्स के पेपर तो आते ही हैं आईएएस आरएएस में, साइंस का पेपर भी होता है बेटा आईएएस आरएएस में। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें साइंस से हेल्प भी मिलेगी। कॉमर्स, देखो कॉमर्स में अभी हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा डगमगा रहा है, लेकिन आफ्टर जीएसटी थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। क्लियर है बच्चों? लेकिन इसमें हमें दो ही कोर्स सबसे ज्यादा दिखते हैं, CA, CS और CPT। ठीक है बच्चों? CA, CS और CPT। तो यहां पर सबसे पहले आप इस ऑप्शन को जब चूज करते हो तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट, यही ऑप्शन समझ में आता है बच्चों? सर चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं बेटा उसके लिए। ठीक है, कैट का एग्जाम लगता है, कई सारे स्टेजेस आप पार कर पाते हो तब जाके आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन पाते हो। क्लियर है बच्चों? फिर आप एक कंपनी में जॉब करो, वो कंपनी आपको अच्छा पैसा करती है, या फिर आप अपने घर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, आईटीआर फिल करो, किसी का बैलेंस शीट बनाओ, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं बेटा कॉमर्स। तो आप इससे ये कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब हम, मुझे लगता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन कॉमर्स में बहुत लिमिटेड चीजें हुई, आर्ट्स में सर फोकस करके मुझे दो तीन चीजें ही दिखती है। हाँ, फिर कॉम्पिटिशन के नाम से तो पूरा भारत लगा हुआ है। यस या नो? किसकी तैयारी कर रहा है हमारा बच्चा? कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। किस कॉम्पिटिशन की? ये नहीं पता बच्चा। किसकी तैयारी कर रहा है सर? कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। किसकी कॉम्पिटिशन की? सब ये नहीं पता। दूसरों से लड़ने की कॉम्पिटिशन की या दूसरों के साथ भागने की कॉम्पिटिशन की? क्लियर? आवाज आ रही है ना सभी को? ओके, ठीक है, क्लियर। अब देखो, सुनो, अब सर रह के हमारे पास एक नया ऑप्शन आ गया, साइंस। देखो साइंस जैसे ही लगता है थोड़ा सा डेकोरेटेड सा लगता है, लगता है कि नहीं लगता? जैसे कोई कहे और हमारे बच्चे के पास साइंस है, कॉलर थोड़ी सी ऊंची हो जाती है ना, घर वालों की भी हो जाती है और बच्चे की भी हो जाती है। तो बेटा कॉलर ऊंची करने से कोई मतलब नहीं है, हमें उस साइंस में हार्ड वर्क भी करना है। क्लियर बच्चों? तभी वो आगे जाकर के वैल्यूएबल हो पाती है। तो देखो साइंस में क्या करें? तो सर साइंस में क्या करें? हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में तो और भी जॉब आ जाते हैं, कुछ लोग निकल पड़े होंगे आईटीआई की तरफ, कुछ निकल पड़े होंगे पॉलिटेक्निक की तरफ, है ना? अरे भाई वो कुछ अच्छा कर लो यार, थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, तो ये आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डिप्लोमा में मत पढ़ो अभी, अभी आप लोग डिसाइड करो कि अभी ये क्या करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज बच्चों, साइंस में हम दो चीजें पढ़ते हैं। देखिए
साइंस। साइंस में दो सब्जेक्ट है बेटा, एक तो है बेटा ग्रेटर बायोलॉजी और एक है बेटा मैथ्स। मैथ्स कौन कौन सी बच्चों? बायोलॉजी और मैथ्स, है ना। कौन सा अभी साइंस आपके पास? सर मैथ साइंस है। कौन सा साइंस आपके पास? बायोलॉजी साइंस है। ओके ठीक है, तो बायोलॉजी वाले बनेंगे डॉक्टर, मैथ वाले बनेंगे इंजीनियर, ये तो दुनिया को भी पता है, यस या नो? चलिए ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब यहां पर देखेंगे कि सर बायोलॉजी और मैथ्स में दो मेन रास्ते डॉक्टर तक और इंजीनियर तक ही जाते हैं या आगे भी जाते हैं? बेटा आगे भी जाते हैं, तो उनको उन रास्तों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो सर बायोलॉजी और मैथ्स, देखो मैथ्स में आपको मैथ्स वाले सर बताएंगे कि आप कहां कहां कर सकते हो, लेकिन जितना मुझे पता है मैं बता सकता हूं आपको। अब बेटा सीडीएस और ठीक है सीडीएस और एनडीए ये एक एग्जाम होता है बेटा मैथ्स में, आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी सीडीएस और एनडीए का, ये मैथ्स वाले देते हैं, बायोलॉजी वाले नहीं देते। इसमें आप हमारी आर्मी में ऑफिसर्स बन सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये ऑफिसर लेवल का एक एग्जाम होता है जो मैथ्स वाले बच्चे देते हैं। अगर आपको रियल में अच्छा लगता है कि हम ऑफिसर रैंक के ऑफिसर बने और कहां जाके किस प्रिपरेशन करें एनडीएस और सीडीएस के लिए, आप बेटा मैथ्स का आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। क्लियर बच्चों यहां तक का? बायोलॉजी के अंदर मैथ्स में इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखो इसके बाद बेटा वही इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इंजीनियरिंग कई टाइप की है, मैकेनिकल कर लो, सिविल कर लो, बहुत सारी है ना, माइनिंग इंजीनियरिंग, कई सारी इंजीनियरिंग होती है। अब सर हमने इंजीनियरिंग भी कर लिया, क्लियर है बच्चों? तो इंजीनियरिंग के बाद भी आपने देखो बेटा सारे इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिली, क्लियर? लेकिन कोई डॉक्टर खाली नहीं है, कोरोना ने हमें ये बताया, यस हर एक डॉक्टर बिजी था, यस या नो? बताओ आप लोग प्रैक्टिकल करके बताओ इस चीज को, यस बिल्कुल सही है ना बेटा? सर इंजीनियर्स के पास, बहुत सारे इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है, लेकिन कोई भी डॉक्टर वेला नहीं है जिसके पास कोई काम ना हो। अगर वो डॉक्टर की है तो उसको बिल्कुल अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जॉब होगी। क्लियर है बात बेटा? क्लियर है बात? क्लियर। अब सर हम क्या बन जाए? हम बन जाएंगे सर डॉक्टर। तो क्या बस डॉक्टर बन सकते हो आप इसमें? नहीं, आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हम इसके लिए ये पढ़ेंगे अपने यहां पर बेटा कि यहां से आगे क्या किया जा सके और डॉक्टर के अलावा क्या। तो अब मैं बेटा ये वाले स्कोप को थोड़ा और डिटेल करने वाला हूं, बायोलॉजी वाले जितना मुझे पता है उसके बारे में आप चीजें आपको मैं बताता हूँ। क्लियर है बच्चों? शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी की डेप्थ कहां तक जाती है और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके तो देखिए अब डिसाइड करते हैं कि सर हम बायोलॉजी क्यों पढ़े। देखो कई सारे रास्ते जाते हैं, आप कौन सा चूज करते हो? देखो बायोलॉजी लिया बच्चे ने कब? 11th क्लास में। कब डिसाइड किया आप लोगों ने ये? 11th क्लास में। ओके सर 11th में हमने डिसाइड किया। तो जब हमने 11th क्लास में बायोलॉजी डिसाइड किया तो क्या करना है इसके? तो देखो आप 12th कर लीजिए बायोलॉजी से, कर लिया आपने 12th। तो 12th करने के बाद कुछ बच्चे देंगे नीट का एग्जाम, इसके ऊपर भी बात करेंगे।
किसका एग्जाम देंगे? नीट का एग्जाम देंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। पूरा नाम क्या है बच्चा? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो ट्रेन में जाना उसका नाम तो पता होना चाहिए ना? यस नो? नेशनल एलिजिबिलिटी सीबीटी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। बिल्कुल सही होगा, एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप सुनो बच्चों, सुनिए, अमन कुमार वेरी गुड, अमन यादव। इसके बाद सर नीट को पहले मैं पहले आपको एक बार नीट समझा दूं बेटा, क्लियर? फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। नीट में, नीट के एग्जाम में एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें बेटा एक कॉमन एग्जाम लगता है नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल, ठीक है बेटा? और इसको कंडक्ट जो करवाता है नेशनल लेवल पर, इसको जो कंडक्ट करवाता है वो है बेटा, ठीक है, एनटीए, दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट एजेंसी नेशनल लेवल पर, एनटीए, इट इज कॉल्ड नेशनल टेस्ट एजेंसी। क्या है बच्चों ये? नेशनल टेस्ट एजेंसी, क्लियर? एनटीए, वेरी गुड बेटा, राइट। हाँ, नेशनल टेस्ट एजेंसी सबसे पहले, इससे पहले क्या करवाते थे? सीएसआईआर, नेशनल, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इस एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी बच्चों को, कुछ हर्डल्स फेस करने लगे, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसे एक ऐसी टेस्ट एजेंसी को दिया जाए जिनके पास मतलब कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्लियरिटी, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से हो और अच्छे से एग्जाम। तो इसलिए बेटा इसको नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जब से अडॉप्ट किया तब से टीएमटी बदल गया है बेटा नीट के अंदर, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, फिर मुझे लगेगा कोई मुझे सुन रहा है, तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर ले, फिर अपन बात सुनते हैं। ओके, आगे मुस्कान, हिमांशु, हिमांशु वेयर आर यू आज? आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हिमांशु। ओके, गगन सैनी, नितिन, केशव, ओके, चलिए एम्स दिल्ली पहुंचाएंगे आप लोगों को, आप लोग आइए तो सही, दिखाइए तो सही मुझे अपने चेहरे, फिर एम्स भी पहुंचेंगे। हाय हिमांशु, कैसे हो? बढ़िया, चलिए नाइस। तो देखिए सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा, केशव बड़ा ट्राई करो हो जाएगा, ठीक है? अब देखो सुनो, नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करवाती है बेटा नीट एग्जाम को, तो आप लोगों को क्या करना है इसके लिए? बेटा दो एग्जाम लगते हैं, एक लगता है एम्स का एग्जाम, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बड़ा ही नाम है, बहुत बड़ा नाम है एम्स, सुना है आप लोगों ने एम्स का नाम? सुना है, सुना, एम्स दिल्ली, एम्स कानपुर, एम्स रायपुर, ऐसे बहुत जगह एम्स बैठा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, रिसर्च टाइप का, जहां बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे ट्यूटर पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा होता है। आप एम्स कभी दिल्ली का विजिट जरूर करें एक बार, आप सभी से कहूंगा एक बार एम्स दिल्ली जरूर जाए। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, चीटिंग वीटिंग बिल्कुल नहीं होती, एनटीए के अंदर कोई चीटिंग नहीं होता, पूरा फेयर एग्जाम होता, पूरा फेयर, आपको मेहनत बड़ी शिद्दत से करनी पड़ेगी इसके अंदर। अभी तो एम्स एग्जाम में आप जब क्वालिफाई करते हो तो एम्स के अंदर बेटा 700 सीटें हैं, 700, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं बेटा, 700,
हाउ मेनी 700. तो 700 सीट्स में से आप जब एम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको वहीं पे बेटा पढ़ने का मौका मिलता है, आप वही हॉस्टल में रहते हो और एक सुपर डुपर डॉक्टर बन के निकलते हो वहां से, जिसे दुनिया जानना चाहती है, जिसका लोहा मानती है. शानदार पढ़ाई होती है, शानदार सीखने को मिलता है, सब कुछ जबरदस्त होता है, उसके लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है जो एम्स पहुंच जाता है एक बार. क्लियर बच्चों? जैसे आपने सुना होगा आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, यहाँ से इंजीनियरिंग करके आते हैं वो लोग, उनका काफी वैल्यू होता है. ऐसे एम्स से जो डॉक्टर्स करके आते हैं बेटा डॉक्टरी, उनका भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है. तो देखो एम्स, अब एम्स का एग्जाम अलग होता है और नीट का एग्जाम अलग होता है. नीट का एग्जाम एक साल में दो बार होता है. कितनी बार होता है? टू टाइम्स. ये बता कितनी बार होगा? टू टाइम्स. ओके बच्चों, टू टाइम्स. अब कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे, सर हम तो दो दो बार देंगे एक किस्म. बिल्कुल बेटा दे सकते हो आप दो बार एग्जाम, लेकिन पढ़ोगे तभी तो पास होगे ना. एग्जाम देने से क्या फायदा? फीस भर और भीड़ बढ़ा दो वहां पे आप लोग, तो कोई मतलब नहीं इसका. आप लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए. तो बेटा पता है आप लोगों को क्या क्या आता है इस एग्जाम में? सर बिल्कुल आता है. इस एग्जाम में तीन सब्जेक्ट आते हैं, मेन तीन सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, एंड केमिस्ट्री. कौन कौन से सब्जेक्ट है बेटा? फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट है पीसीबी. अब आपको पता है केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 45 क्वेश्चंस. हाउ मेनी? 45. ओके, फिजिक्स की कितने क्वेश्चन बेटा? 45 क्वेश्चन. और बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 90 क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ये लो. फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90. तो इसका मतलब बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है. यस या नो? हमें सारी डेप्थ में क्या पढ़नी है? बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है. अब बेटा ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स, तो 90 इंटू 4 कर दो बेटा 360, 45 इंटू 4 कर दो बेटा 180, और 45 इंटू 4 कर दो बेटा 180, तो कितना हो गया भैया? 720. 720. कितने नंबर का पेपर होता है नीट का बेटा? 720, जिसमें से बायोलॉजी कितने की बच्चों? 360. फिजिक्स कितने की? 180. केमिस्ट्री कितने की? 180. क्लियर है बच्चों? यहां तक की बात है आप लोगों को? पैटर्न समझ में आ रहा है, मार्क्स का वेटेज भी समझ में आ रहा है. सर जिसने 11th और 12th एनसीईआरटी पायो को अच्छे से क्लियर कर लिया है वो नीट को इजीली पास कर सकता है. केशव आपने बात बिल्कुल सही कही है, 11th 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बाइबल है. क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा सुनिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 15 बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब वो आपको समझ में आने लगेगी. डीकोडिंग कहते हैं उसको, डीकोडिंग. एनसीईआरटी पढ़ना और डीकोड करना अंतर है. बात सेटिस्फाई होंगे आप लोग मेरी बात से, कि जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं बच्चों तो उस एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डीकोड करना पड़ेगा. हर एक लाइन को क्या मीनिंग है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, ये सब आपको पता होना चाहिए. आपको एवरीथिंग, हर डायग्राम पता होना चाहिए, उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए आपको, हर एक वर्ड पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाकर आप बेटा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो. मैं कह रहा हूं आपसे बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ आपको पढ़ना है. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत लोगों के 360 आउट ऑफ 360 आ रहा है, खूब बच चुके फुल लोगों को. अब तो बेटा आपने नीट के एग्जाम का रिजल्ट देखा, तो सोएब आफ्ताब जिसने 720 में से 720 ले लिया, कितना ले लिया? 720 आउट ऑफ 720. अर्चना सिंह आकाश से 720 आउट ऑफ 720. क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चों ने अच्छा मेहनत कर सकते हैं, और जब बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हो आप लोग तो बेटा
इतने मार्क्स इजीली आपके आ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, एक आपको अच्छा एक शेड्यूल चाहिए। आप अगर वो गाइडेंस या शेड्यूल बना लेते हो तो आप ये एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई कर सकते। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री सर 720। इसमें बेटा एक सबसे बड़ी बात है, खुशी कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम? ओके चलिए। तो इसमें बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही हुआ तो यू गॉट 4 मार्क्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 माइनस होगा बेटा, 1 मार्क्स माइनस 1 मार्किंग होगा। क्लियर बेटा? तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग माइनस 1 ईच क्वेश्चन, मतलब माइनस 1 की बेटा नेगेटिव मार्किंग रहती है। हाँ आप लोग तो तुक्के लगा दो सारे जय माता दी करके और वो सारे सही निकल आए तो सारे डॉक्टर बन जाओगे, ऐसे तो ऐसा नहीं चलता बेटा। वहां पे वहां माइनस मार्किंग रहेगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने गलत किया तो सही में से 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर है बात यहां तक की? ओके आगे। अब सर हम क्या करें, सर हर साल लगभग 15 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। कितने बच्चे देते बेटा? 15 बच्चे, और उनमें से बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं। जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है उनका मिनिमम फीस पर MBBS हो जाता है, जिनका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है उन लोगों का थोड़ा डोनेशन बेस MBBS हो जाता है। क्लियर है बात बेटा? क्लियर है? तो अब आपका सबसे बड़ा फोकस है कि हमें इंडिया में एक अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज डिसाइड करना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है वहां पे। क्लियर है बेटा? जब काउंसलिंग होगी तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी, उससे पहले आपको रैंकिंग लानी है बेटा। रैंक आपकी अच्छी होगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक की? समझ में आ रही है? अब सर क्या करें, अगर हमारा नीट में स्कोर कम रहा तो क्या हम कहीं बाहर से जाकर भी MBBS कर सकते हो? कितने लोगों को पता है बाहर से भी MBBS होती है? सभी को पता है? यस या नो? अब तो हमारे सारे गांव गांव की ढाणी ढाणी में से लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, चाइना चले गए, फिलीपींस चले गए, कजाकिस्तान चले गए। क्या कर रहे हैं सर? प्राइवेट MBBS फीस। बिल्कुल सब चीजें बताने वाला हूं बेटा, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो यस बेटा, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि जो लोग बाहर चले गए वो भी बेटा, सबसे देखो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, हमें कहीं बाहर नहीं जाना, हम सर इंडिया में ही पढ़ेंगे, इंडिया में अच्छा स्कोर लाएंगे और इंडिया का ही मेडिकल कॉलेज ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। श्योर करो सर, मेरा तो एक सीट से फाइटर वो मेरी फिक्स है। जब मैं 2022 में दूंगा या 24 में दूंगा या 23 में दूंगा तो मेरी सीट फिक्स है। क्लियर है? ये अपने आपने आपसे एक वादा कर लो कि भाई मुझे तो एक सीट चाहिए और मैं लेके रहूंगा उस सीट को, कैसे हो? क्लियर है बात बच्चों यहां? अब हमें क्या करना है उस चीज को समझिए। तो ये नेशनल टेस्ट एजेंसी हो गया, अब इसके बाद समझो बेटा आगे की बात समझो। अब आप अब्रॉड से बाहर से MBBS करना चाहते हो सपोज, तो बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, नीट में एलिजिबिलिटी मार्क्स लेने होंगे। क्या लेना होगा? एलिजिबिलिटी मार्क्स लेना होगा या नीट क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई ठीक है। नीट का बेटा एक मार्क्स है जिससे नीट क्वालिफाई होता है, उसके बाद आप कहीं अब्रॉड से जाकर के बाहर से जाकर के MBBS कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? उसके लिए सर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, चाइना, रसिया, अफगानिस्तान, चाइना, रसिया, अफगानिस्तान, ये मैक्सिमम जितने भी कंट्रीज है बेटा,
क्लियर है, आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके, जाने के बाद आप लोगों का एक तो ईयरली प्लान, ठीक है बेटा, 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो एमबीबीएस टोटल कितने साल के हो गए बच्चों? 5 ईयर का। कितने ईयर का हो बेटा? 5 ईयर का। तो 5 ईयर प्लान में आप मिनिमम पकड़ के रखिए 5 लाख पर ईयर आपका ट्यूशन फीस है, 5 लाख, ठीक है। तो 5 को 5 से कैलकुलेट कर लो तो 25 लाख हो गए बच्चों, 25 लाख तो ही हो गए आप लोगों के। और वहां ऊपर से आपका रहने का 5-1 लाख रुपए का और खर्चा लगा लो बेटा। क्लियर बेटा? आप आ रहे हो जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होगा थोड़ा एयरवेज में, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को टोटली पता होगा कि हमें कितना खर्चा यहाँ पे हमारा लग रहा है। क्लियर है बात बेटा? तो इस चीज को आप लोग तो जब नोट करेंगे तो मेरा मानना है लगभग 32-35 लाख, 30-35 लाख रुपए में हम बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। यस या नो? कर सकते हैं बच्चे। और जब आप इंडिया आओगे तो आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होगा, वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इंडिया में आकर के अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? अब आप डिसाइड कर लो कि 30-35 लाख रुपए हमारे पास है या अगर नहीं है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही अप्लाई करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? आप सब पूछ के सर आपने सारे डॉक्टर के बारे में बताया, तो बेटा जो लोग डॉक्टर नहीं करना चाहते उनके लिए मेडिकल में बहुत सारी और लाइनें दी है। तो देखो कैसे, आप आफ्टर 12th क्या करेंगे? बीएससी नर्सिंग। क्या होता है बच्चों? बीएससी नर्सिंग, या आप एएनएम कर सकते हो, या आप जीएनएम कर सकते हो। ये बीएससी नर्सिंग है आप लोगों का। इसके बाद बेटा होता है एमएससी नर्सिंग। अब सुनो बच्चों, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, मेल और फीमेल। एएनएम फीमेल होती है, आपने बहुत सारे अपने आसपास देखा होगा, जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है मोस्टली एएनएम होती है वो सबके सब, है ना। दूसरा आप देखेंगे बच्चा, जीएनएम भी होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के एज ए कंपाउंडर जॉब कर सकते हो। क्लियर बच्चों? आराम से 40-50 हजार रुपए तक बाहर दिल्ली विल्ली में जाकर के लोग बढ़िया से सैलरी कमा लेते हो। इसके बाद या आप जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग कर लेते हो। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग क्या है एक्चुअली? बीएससी नर्सिंग में आप जीएनएम वाले बच्चों को पढ़ाते हो, आपको कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना होता, आप उन्हें नर्सिंग का टीचिंग कर रहे होते, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बेटा बीएससी नर्सिंग वाले अपने स्टूडेंट्स जीएनएम वालों को पढ़ा रहे होते और उनका सैलरी होता है 1-1.5 लाख तक रुपए। समझ पा रहे हो आप लोग? तो आप एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी आपका बेटा पैसा भी बढ़ता जाएगा, आपका जॉब सिक्योरिटी। दूसरा, आपको पता है साउथ में केरला साइड की जो नर्स हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया जापान, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क होते हैं बेटा, बहुत मेहनती होते हैं, तो काफी डिमांड है। आप लोग जॉब करने के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हो, ठीक है, सऊदी अरब जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो बेटा, फ्रांस जा सकते हो, बहुत सारी जगह आप लोग जा सकते हो। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो और सोचते हो कि सर हमको डिप्लोमा कर ले, तो उसके लिए आपका 12th आप बी फार्मा या डी फार्मा, किसका बेटा? बी फार्मा या डी फार्मा का डिप्लोमा कर सकते हो। 2 साल का होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो बच्चों। क्या बन जाते हैं आप लोग? ड्रग इंस्पेक्टर। आप एलिजिबल होते हो बेटा मेडिकल शॉप के लिए, मेडिकल शॉप आप ओपन कर सकते हो, अपनी लैब लगा सकते हो आप लोग। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ से, बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं,
एमएससी बीएससी नर्सिंग डीएनएम कर सकते हैं एएनएम कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा एक और ट्रैक बेटा बिल्कुल सीधा जाता है जिन बच्चों का इंटरेस्ट है टीचिंग में कि सर वो साइंस में टीचर बनना चाहते हैं या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना होगा। तो देखिए बच्चों आप सीधा 12th बायोलॉजी के बाद बीएससी कर सकते हो, बीएससी से आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद एग्जाम लगता है बेटा नेट का, ठीक है, नेट एक सीएसआईआर नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं उसको बेटा, ओके नेट। इस नेट को आप क्वालिफाई कर लीजिए तो आप कॉलेज प्रोफेसर के लिए कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हो बेटा। आपने गवर्नमेंट कॉलेज देखे है ना, वहां पर बहुत सारे प्रोफेसर हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। बीएससी कर लीजिए, एमएससी, एमएससी के बाद आप नेट के एग्जाम दे सकते हो। किसके एग्जाम दे सकते हो बेटा, नेट का। क्लियर बात। अगली बात, इसके साथ कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमने बीएससी कर लिया जो अमूमन होता है, तो बीएससी के बाद आप लोग बीएड कर सकते हो, बीएड कर सकते हो जो आप लोग बीएड कर सकते हो, और बीएड के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में जो 11 12 पढ़ाते हैं टीचर उनके लिए कॉलेज सॉरी स्कूल लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चों, स्कूल लेक्चरर के लिए। तो आप इससे स्कूल लेक्चरर तक के लिए अपन यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक की बातें, ठीक है। तो ये अब एक थोड़ा आइडियम बना आज के लिए कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो वापस एक छोटा सा रिपीट ले लिया तो कि बेटा अपना इस टॉपिक से मेनली नीट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको नीट भी नहीं हुआ तो आप जीएनएम कर सकते हो, एएनएम कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, उसके बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई बी फार्मा कर सकते हो या डी फार्मा कर सकते हो। इसके बाद आप यहां से डायरेक्ट 12th के बाद बीएससी करें, एमएससी नेट करें, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो बेटा कॉलेज लेक्चरर के लिए अगर आप नेट के एग्जाम ले लेते हो, निकाल लेते हो। और इसके बाद अगर आप 12th के बाद बेटा बीएड करें तो बीएड के बाद आप बेटा स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल होते हो। अब कोई डाउट है तो बेटा बताओ, एक मिनट बचा आप लोगों के लिए, कोई भी डाउट है कोई चीज पूछनी हो आप लोगों को तो बताइए, फिर कल से हम फाउंडेशन क्लास को कैजुअल ठीक तरीके से शुरू करेंगे। आज ये बेसिक था बेटा, थोड़ा बायोलॉजी के बारे में आपको बताया। कोई डाउट बेटा आप लोगों का, अंतिमा एनी डाउट, गगन, हिमांशु, नो सर, नितिन, केके, केके कोई डाउट, ठीक है बेटा। आप लोग क्या बनना चाहते हो, चलो वन बाय वन बताओ। अंतिमा आप क्या करना चाहते हो, केके बेटा सभी बच्चे इसको फोकस तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि ये जो ओवरऑल है इसके बेस पर हम अपना माइंड मैप बना पाए कि हमें फ्यूचर में अब करना ही क्या है। क्लियर है बेटा, इसके बाद ही हम आगे डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले डिसाइड ले लीजिए बेटा कि हमें क्या करना है, नीड करना है। ओके वेरी गुड डॉक्टर संजना यादव, वेरी गुड बेटा, हाँ हाँ वेरी गुड। जो बच्चे बेटा इंटरेस्टेड है वो अच्छे से इन चीजों को समझने की कोशिश करें और अपन इनको देख सकते हैं। क्लियर बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही बात किया हमने जिसमें आपको आफ्टर 12th के बारे में हमने बात की और शुरू किया।